लेकिन फिल्म दे विच एक विचोली वाला रोल भी अदा किया कि यारी दोस्ती पिछे कुड़ी नूं प्रपोज करनगे, जिस तरीके नाल सिख कौम ने उन्हां नूं शहीद का दर्जा दिता, लगता नहीं कितना कितने नैगेटिव पॉइंट भी जा सकता। उन्हूं बहुत बहुत प्यारी सी फिल्म है, इन्हूं जल्दी रिलीज़ कराना चाहता सी, बट कदे सोचा नहीं सी कि फिल्म उतो बिना रिलीज़ होगी। दीप सिद्धू भाई नाल किन्ना क तुहाडा रहण दा सबब बणिआ इस फिल्म दे दौरान? जोरा बाई 10 नंबरी तो बाद दीप सिद्धू वालों किसानी अंदोलन दे विच अपना अहम योगदान पान करके पूरे पंजाब नहीं पूरे देश विच अपनी एक वक्री पहचान बनाई गई। दीप सिद्धू वालों किसानी अंदोलन तो पहले एक फिल्म बनाई गई सी साढ़े आले, लेकिन कुछ कारणों करके वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन हुण दी गल करिए तां हुण दीप सिद्धू बाई साढ़े विच मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हां दी फिल्म जो बनाई गई साढ़े आले वो हुण रिलीज़ होने जा रही है। तो फिल्म की स्टारकास्ट आ साढ़े नाल मौजूद है, जवंदा बाई हुणी साढ़े नाल मौजूद है, गलबात करते हैं। बाई जी, साढ़े आला फिल्म लैके आए जे, दीप सिद्धू बाई की फिल्म है लेकिन बाई हुणी नाल नहीं है, किन्नी क कमी महसूस होंगी? कितने भी तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जाते जे, रिलीजिंग लई जाते जे, हर कोई यही सवाल पुछदा होएगा, किन्नी क कमी महसूस होंगी बाई दी? कमी तो ओबियसली महसूस होनी होनी है ना, भरा सी साडा वो, सो परमात्मा जल्दी लै गया उन्हूं। तो ये फिल्म दे भी उन्हूं बहुत बहुत प्यारी सी फिल्म है, इन्हूं जल्दी रिलीज़ कराना चाहता सी, बट कदे सोचा नहीं सी कि फिल्म उतो बिना रिलीज़ होगी। तुसी फिल्म च नाल रहे जे, वड्डे बाई वाला रोल फिल्म च अदा किया, की कुछ है फिल्म च, की खास की रहेगा फिल्म दे विच? फिल्म दी कहानी बहुत खास आ, एक कहानी दीप नूं बहुत पसंद सी, इस करके उन्हूं बहुत कॉल सी कि फिल्म रिलीज़ करिए, बट कुछ कारण करके फिल्म लेट हो गई, बट हुण बहुत जल्दी डेट अनाउंस करन लग्या सीगा कि आपां ये फिल्म जल्दी रिलीज़ करते हैं। साडी काफ़ी बारी इस विषय ते गल हुई कि आपां उह फिल्म जल्दी रिलीज़ करिए, तो वह हमेशा कहिंदा सी कि आपां बहुत जल्दी डेट अनाउंस कर लगे हैं, बट करोना आ गया, उस तो बाद किसानी अंदोलन आ गया, तो फिर दीप चलिया गया है ना। तो ये फिल्म साढ़े सारे दिल के नेड़े सी, कहानी साढ़े अपने परिवारों की कहानी आ, रिश्तिया की कहानी आ, मुहब्बत की कहानी आ, तो जिहड़े लोग देखेंगे नत्ती तरीक नूं उन्हां नूं भी ये फिल्म अपनी ही लगेगी। कबड्डी ट्रेलर देखा, कबड्डी नूं लैके ज़्यादा ट्रेलर दे विच गलबात हुई है, की है कबड्डी नूं लैके, की खास रहेगा फिल्म दे विच? कबड्डी जिहड़ी हैगी आ, देखो साडी अपनी माँ खेड आ, तो दीप ते सुखदीप जो सैकंड लीड ते करैक्टर प्ले कर रहे ने, वह कबड्डी दे प्लेयर ने, कबड्डी दे प्लेयर होण दे नाते उन्हां दा आपसी प्यार बहुत आ, बट उस तो जिहड़े उन्हां दे परिवार ने उन्हां दी आपस विच अणबण आ, फिर उस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि वो अणबण मिटाते या नहीं मिटाते, की कहानी तुरदी आ, ये आप 29 तरीक नूं देखिए तो मैं लगता थोनू जो हुण दसीए तो फिर उन्हां दा स्वाद नहीं आना, जे फिल्म देखने का स्वाद नहीं आना थोनू। तो फिल्म की गल करिए, शूटिंग कितने कितने हुई फिल्म की, कितना समय लगा इस फिल्म नूं बनने की, दीप सिद्धू बाई नाल कितना क तुहाडा रहण दा सबब बनिआ इस फिल्म के दौरान? यदि फिल्म बठिंडे हुई, सारी बठिंडे के एक पिंड च हुई है, तो दीप सिद्धू नाल इस फिल्म वेले शूट वेले असी गलबात करते, लेकिन बाली गलबात नहीं हुई सी, लेकिन फिल्म देखने तो बाद दीप जो मैंने मिलया उस तो बाद साडा प्यार बहुत होया, बहुत पै गया है ना, तो साडी फोन ते अक्सर गल हुंदी रहिंदी सी, जां मिलदे रहिंदे सी असी, तो उस तो बाद असी इकट्ठे ने एक फिल्म की सी जोरा दा सैकंड चैप्टर, उहदे विच मैं किरदार कीता सीगा, तो फिर किसानी वेले भी बाई दे नाल रहे है ना, तो गलबात हुंदी रहिंदी सी। सो इस फिल्म तो बाद तो बहुत प्यार पै गया साडा, भरावां वांगू विचरदे सी, ते बट उहदा छेती चले जाणा किते ना किते बहुत तकलीफ दे आ। अगर फिल्म दे ट्रेलर देखा, अगर फिल्म दे हालांकि भाएं किसानी अंदोलन तो पहला शूट हुई है, लेकिन फिल्म दे विच एक विचोली वाला रोल भी अदा किया कि यारी दोस्ती पिछे कुड़ी नूं प्रपोज करनगे, जिस तरीके नाल सिख कौम ने उन्हां नूं शहीद का दर्जा दिता, लगता नहीं कितना कितने नैगेटिव पॉइंट भी जा सकता है? मैं चाहूँगा कि भी फिल्म नूं फिल्म दे तरीके नाल लिया जाए है ना, फिल्म च बहुत गल्लां हुंदियां ने, उह हुण जो जो किरदार दीप सिद्धू निभा रहे, दीप सिद्धू नहीं हैगा, वह मनजीत आ उहदा नाम ना, वह मनजीत निभा रहा है ना, सो रियल लाइफ च ते रील लाइफ च कितना कितने फर्क हुंदा, वह आपां ना जोड़िए तो बहुत वधिया गल रहेगी। किन्नी तरीक नूं फिल्म रिलीज़ होने जा रही है? ये फिल्म 29 अप्रैल नूं होने जा रही है जी, 29 अप्रैल नूं फिल्म सिनेमेघरां च लग जूगी पूरी दुनिया च, सो सागा वालों ये फिल्म रिलीज़ की जा रही है, तो सारे नूं बेनती है कि तुसीं फिल्म जरूर देख के आयो, थोनू बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी तो एक बड़ी संजीदा तो बड़ी प्यारी फिल्म देखने मिलेगी, ये मेरा यकीन आ।
ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੂਗੀ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ ਜੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ